नरेश अग्रवाल। इतने योग्य लोग बोल रहे थे कि अब हमारी समझ से बाहर हो गया, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कितना बड़ा डिबेट होगा। मैं तो इस हमारे समर्थन कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का पहली बार किसी बिल में नाम है। इस प्रति आप भी बड़ी भाग्यशाली, उत्तर प्रदेश के बारे में ना अमेठी से लड़ती ना शायद पोजिशन पहुंचती। आप अमेठी से लड़ी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के, देखे डिफेंस मिनिस्टर भी आ गए, ये भी उत्तर प्रदेश से। हम लोग बड़ा दिल है, बाहर वालों को बिल्कुल अपने घर में बसा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हो गए, मनोहर जी हो गए, आप हैं, तो कम से कम आपने उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा। और मैं चाहूंगा कि जितना और ख्याल रखेंगे उतना ही आगे बढ़ती जाएंगी, हम लोग तो यही कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमारा स्टेट, लेकिन आपकी एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन में हम अभी बहुत पिछड़े हैं। पहले तो मैं चाहूंगा बिल में दो चीज आप और कर ले। एक, आपने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया है उसमें कम से कम लोकल एमपी को तो डाल दीजिए। आपने तो सब उन्हीं लोगों को कर दिया कि लोकल एमपी का कोई रोल तो होगा, जहां पर वहां लोकल एमपी को डाल दीजिए। और आपने जो काउंसिल रहा जिसके चेयरमैन आप हैं, इस हमारे कि उनको मॉनिटर कर सके, तो कम से कम दोनों सदनों से दो तीन मेंबर को भी डाल लीजिए, जिससे आप ही को और समर्थन के लिए लोग मिल सके, आपके साथ के लोग हो सके। मैं चाहूंगा ये दो चीज आप कर ले, बाकी तो आपका बिल बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अगर आपने ना चेंज किया, अभी तरुण विजय जी बोल रहे थे बहुत तेजी से, आज वर्ल्ड की 100 टॉप यूनिवर्सिटी आप उठा लीजिए, हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं। हमने बहुत, हमारे IIT बड़े फेमस हैं, हमारे पास बहुत यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आपको मानना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन सेक्टर में निजी क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान ना होता, तो शायद लिटरेसी की दर अभी इतनी हमारी नहीं बढ़ी होती। लेकिन क्या स्तर हमारा उतना अच्छा है? हमको ये सोचना पड़ रहा है कि हमारा स्तर, हम क्यों नहीं विश्व के स्तर पे अपने को कंपटीट कर पा रहे। मैं देखता हूं कि विश्व के किसी भी, यहां चले जाइए किसी कंट्री में चले जाइए, आप इंजीनियरिंग में ले लीजिए, आप मेडिकल में ले लीजिए, स्किल लेवल में ले लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा ब्रेन हमारा होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि अपने देश में हम ब्रेन को जो बाहर जाने जा रहे, देने जा, बाहर दे, जाने दे रहे हैं, उसके लिए हमने क्या प्रावधान किया, कैसे हम उसको रोकें? आपका IIT के 90% लड़के जो निकलते हैं पास होके, मेडिकल के तमाम जितने टॉप के लड़के निकलते हैं, हम गवर्नमेंट एड से तो उनको पढ़ा रहे हैं, सब्सिडी देके उनको पढ़ा रहे हैं। सरकारी आपकी 5 या 7 IITs हैं, दे एक UP में भी है, उनके कितने परसेंट लड़के देश में रुक रहे हैं? अगर आप ब्रेन सारा विश्व में भेज दे रहे हैं, तो फिर किसको हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं? आखिर कोई तो आप ऐसा नियम बनाइए, कोई सिस्टम तो करिए। मैं जब गुलाम नबी जी थे, जब बोल रहे थे, तो मैंने गुलाम नबी जी से कहा था उस समय मेडिकल पे कि डॉक्टर जो बन जाता है गांव में जाने नहीं चाहता। आप 70% देश की आबादी गांव में रहती है, लेकिन मेडिकल में पढ़ने के बाद आप उस डॉक्टर से कहें कि दूर गांव की CSC या PSC में आपकी पोस्टिंग करी जाती है, वो डॉक्टर नहीं जाने खुद। तो हम जिनको तैयार कर रहे हैं वो कंट्री को क्या दे रहे हैं? आखिर इस पर कभी विचार हुआ? मैं तो तरुण भाई जी से कहूँ, बड़े भारी संपादक हैं, बड़े संपादक हैं, कम से कम इस पर भी थीसिस आप कर लें। हमारे भाई यूनिवर्सिटी के भाई VC थे, हम तो मजदूर किसान आदमी हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, तजुर्बे के हिसाब से बोल देते हैं। आप लोग कहते हो हर एक में नरेश खड़े हो जाते हैं बोलने हर एक में, लेकिन मैं इस पर चिंतित हूँ। मैं भी एक मेडिकल कॉलेज में चलवा रहा हूँ, गाजियाबाद में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, करता हूँ कोशिश कि अच्छा स्तर आए, लेकिन हमारे सामने जो फैकल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, आज अगर इस तरीके से फैकल्टी की प्रॉब्लम बनी रही, अच्छी फैकल्टी नहीं मिली, तो इंडिया एजुकेशन के मामले में विश्व में स्तर पे गिरता चला जाएगा। इस पे आपको कहीं रोकना पड़ेगा, कोई ना कोई चाहे बिल लाइए, लेकिन मैं कहता बहुत बिल अच्छे नहीं होते,
मैंने कई बार इसमें कहा कि देश में बहुत कानून कभी अच्छे नहीं होते, कानून वो अच्छे होते जो इफेक्टिव है। कम कानून और इफेक्टिव कानून देश को संबल देते हैं, लेकिन ज़्यादा कानून कभी देश को संबल नहीं देते हैं। तो मैं कहूँ भाई नहीं चाहता कि आप और अमेंडमेंट दिया, कि मैं तो इतने दिनों में देख रहा हूँ रोज ही बिल में अमेंडमेंट आ रहे हैं। ये IAS का सर, मैंने जो पिछली बार भी कहा था, ये IAS का सर बड़ा खतरनाक होता है। जब सत्ता में हो, आप भी, हम तो रह चुके, हम तो भूल गए, तब जब कार का दरवाजा ये IAS खोलते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सत्ता से हटते हैं फिर ये ढूंढे नहीं मिलते कहाँ गए। तो इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि रियलिटी कंट्री की क्या। अगर हमने कंट्री की रियलिटी को नहीं देखा, अगर हमने सत्यता को नहीं पहचाना, यही तो मुश्किल है कि हम जब पद पे बैठ जाते हैं, कल तक विपक्ष में थे इधर जब BJP वाले, तब उनके आंखें बहुत खुली थी, एकदम पारदर्शिता की बात करते थे, एक एक चीज देख के रोड आउट हुए, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हीं चीजों को हाँ करने लगे जिनका कल तक विरोध करते थे। ये परिवर्तन क्यों? मुझे तो आज नितिन गडकरी जी, मैं बहुत खुश हूँ नितिन जी ने आज एक एक चीज को स्वीकार कर, मैं तो कहता हूँ मिनिस्टर होने के बाद, मैं जब पहली बार ऊर्जा मंत्री हुआ तो काउंसिल में हमारे क्वेश्चन थे, तो हमें तमाम IAS जब सवेरे क्वेश्चन तैयार कराने आए तो हमसे कहना इसको एक्सेप्ट न करिए, उसको एक्सेप्ट न करिए, हमने कहा तुम्हारी गलतियों को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तुम्हारी गलतियों को क्यों ओढ़ेंगे। आप विश्वास मानिए मनोहर जी, मैं जब तक ऊर्जा मंत्री रहा, जब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा, टूरिज्म रहा, मैंने कभी सदन में एक्सेप्ट करने में देरी नहीं की कि तुम चोरों की, हम गलती करें, हम तुमको बचाएं। हम क्यों बचाएं तुमको? हमारा काम तुमको बचाना नहीं है, हमारा काम पब्लिक की सेवा करना है, हमारा काम तुम सबको ब्लैक मनी पैदा कराने का नहीं है। हम एक बोल्ड मिनिस्टर वही होता है जो स्वीकार करे गलतियों को, बोल्ड मिनिस्टर जो होता है वो विभाग की कमियों को स्वीकार करे। आप हरदम मानिएगा, हम तजुर्बे से कह रहे हैं, आज 35 साल हमको हो गए लगातार पदों पे बैठे हुए, 35 ईयर्स कंटिन्यूस फ्रॉम 80 से मैं आज तक लगातार, कभी चुनाव नहीं हारा हूँ, बराबर मैं जीतता रहा हूँ, तजुर्बा इतना बड़ा है। मैं आपको कहता हूँ, बड़ा वही बनता है जो गलतियों को स्वीकार करता है, जो गलतियों को छिपाता वो गलती करता चला जाता है, जो गलतियों को स्वीकार कर लेगा उसको हरदम लोग बड़ा मानेंगे। और देश में जितने भी बड़े हुए, मैंने पिछली बार गांधी का किस्सा सुनाया था, आप जैसे विवेकानंद जी, जितने भी देश के बड़े, सबने कभी अपनी गलती को स्वीकार करने में एक मिनट देरी करी नहीं करी, और जो गलती को स्वीकार करता है वो भविष्य में बड़ा बन जाता है। आपको तय करना है, मैं नहीं कहूँगा मोदी जी के कंपटीटर बने, मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन ये ठीक है आगे बढ़े। हमारे भाई संजय सिंह जी हंस रहे हैं, हमारे यूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं एक चीज आपसे और पूछ रहा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी जजमेंट दिया कि सुपर स्पेशलिटी में रिजर्वेशन? अब आप हमको बताएं कि इस पर गवर्नमेंट का क्या रुख? आप IIIT का बिल लाई है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुपर स्पेशलिटी है इसमें सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या रखे? कहीं ऐसा नहीं है इसको भी IIIT को आप विशेष श्रेणी का दर्जा दे रहे हैं तो कहीं रिजर्वेशन खत्म हो जाए? तो चाहूँगा ये, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद, तो जब जजमेंट हो गया तो उसके बाद हमें फॉलो करना पड़े, कैसे बचना है, तो मैं चाहूँगा उसको भी अगर आप क्लियर कर दें तो शायद बहुत अच्छा होगा। अब IT की बात है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में ज़मीन दी, शिवनागर जी एक लखनऊ में IT खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो ऐसा नहीं, हम उत्तर प्रदेश, तो आप आज घोषणा करिए एक IIT और आप देंगे UP को, हम आपको ज़मीन देंगे, मुफ्त दिलाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से, आप एक IIT दीजिए। इतने बड़े उत्तर प्रदेश जहाँ 21 करोड़ की आबादी, पहले दो थे, एक रुड़की एक कानपुर, रुड़की उत्तरांचल में चला गया, अब सिर्फ एक कानपुर रह गया। आप दीजिए अपने दिल्ली के पास कहीं दे दीजिए, आप वेस्टर्न UP में दे दीजिए, या ईस्टर्न UP गोरखपुर साइड पे कहीं दे दीजिए, और ना हो तो अमेठी में दे दीजिए, आपकी बार राहुल गांधी से और अच्छा आपका हो जाएगा चुनाव, इसमें क्या ये सब, ये ले संजय जी ये अमेठी के हैं, इसमें क्या बात है? नरेश जी कृपया समाप्त कीजिए। मैं चलिए, हम तो कुछ पढ़ा लिखा था नहीं, हम तो ऐसे बोलने के लिए खड़े हो गए थे, हमारे भाई जी ने कितने कागज लाए थे इधर से, जिन्हें कितना, हमारे पास तो कोई कागज ही नहीं था, मैंने तो बिल भी नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातें सुन ली। एक्सपर्ट मैं लास्ट में मैं आऊँगा, बहुत सा अखबारों में न्यूज़पेपर में आ रहा है,
ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। तमाम लेख भी आ रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कोई कहता कि आरएसएस में थिंक टैंक बनाया गया, थिंक ग्रुप बनाया गया। तरुण विजय जी ज्यादा जानते होंगे, पांचन के संपादक हैं, कि आरएसएस में कौन सा थिंक ग्रुप बना है। लेकिन मैं चाहूंगा, देश के सामने एक संशय की स्थिति खड़ी है, कहीं आप देश का इतिहास तो नहीं बदलने जा रहे? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कोई भाजपा के नेता ने कभी भाग नहीं लिया। तो हो सकता है आपको आजादी की लड़ाई ना पता हो, और आप पता नहीं कौन सा इतिहास बनाते। भगवान करे आप बड़े बने, सत्यता स्वीकार तो करी नहीं, तो हम तो कह ही रहे थे, हमने कहा था, तू सुना है, हमने तो नहीं कहा सत्य है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन की बात हो रही है, आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई, जो एक आप परिवर्तन बात करें, इस पर बड़ा चिंतन करिएगा। क्योंकि ये देश बहुत संप्रदायों का है, बहुत भाषाओं का है, अलग अलग सोच का है। इस देश की संस्कार भी हर जगह के अलग अलग हैं। इस देश में 25 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, भूषा बदलती है, संस्कार बदलते हैं, देवी देवता भी बदल जाते हैं। कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेंगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, और मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी।